गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी और राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संग में सिर्फ सिमरन को ध्यान करने को कहते हैं, तो सात संगत जी, अगर हमने नामदान लिया है, अगर हम उस नामदान के जरिए हम सिमरन करेंगे तब ही हमें अच्छा जो है सुकून मिल सकेगा और सुख मिल सकेगा। जो अपना सब कुछ जो दुनियारी बातों को त्याग कर सिमरन की ओर ध्यान देता है वह ही उस सच्चे मालिक की दया का पावन बन सकता है। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए, और इस 84 के जेल खाने से हम कैसे बाहर निकलेंगे, वो ही सिमरन के जरिए जितने भी संत महात्मा आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, और जिन्होंने अवतार भी लिया है इस सृष्टि में, जब से ये सृष्टि बनी है तब से उस सिमरन के बारे में ही चल रहा है। वेदों में, ग्रंथों में यही लिखा है नाम की कमाई करने को, और उस नाम के जरिए ही हम भव सागर से पार जा सकते हैं। नाम की कमाई करेंगे तो इस 84 के जेल खाने से तो आप बाहर निकलेंगे। पता नहीं कई जन्म हमने क्या क्या बनकर जो है गुजारा होगा, और क्या पता हमें किस योनि में जन्म मिला, और कितनी योनियों के बाद हमें ये मानुष का चोला मिला है। और इस मानुष के चोले में अगर हम सिमरन नहीं करते तो क्या फ़ायदा हमारा इस मानुष चोले का। सत्संगत जी, बाबा जी कहते हैं 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए जो सिमरन करना होगा, आप किसी भी संत महात्मा से नामदान की कमाई ले सकते हैं, और उसके बाद जो कमाई करनी होती है वह आपका फ़र्ज होता है कमाई करना। अगर आप कमाई नहीं करते तो क्या फ़ायदा होगा उस नामदान का लेने का, और उस जिस संत ने आपको नामदान दिया है वह भी यही आपको समझाएंगे कि भाई अगर इस दुनिया से जाना है, अगर अंत समय में जो है कोई दुख तकलीफ़ या मुश्किल नहीं पानी, तो इसके लिए आपको नाम की कमाई ही करनी होगी। और सिमरन ऐसी चीज़ है जो आपको मन को शांति देगा, और जो अपने वतन का प्यारा बनना चाहता है उसके लिए तो उसे सिमरन ही करना होगा। और सिमरन जब करना है तो एकांत में बैठना है और लगातार 2.5 घंटे सिमरन करना है। आंखें बंद कर उस सच्चे परमात्मा का ध्यान देना है, वह एक ना एक दिन आपको दर्शन ज़रूर देंगे। अगर आपके मन में उस परमितम प्यारे से मिलने की तड़प होगी तो वह उसको भी मजबूर होकर आपके पास आना ही होगा। सत्संग जी, बाबा जी जैसे अपने सत्संगों में कहते हैं कि नानक के घर में केवल नाम कि उस सच्चे परमात्मा के घर में नाम की कमाई होगी। ना देखा जाएगा कि आप अमीर हैं ना गरीब है, किस उच्च जाति से आए हैं या नीच जाति से आएंगे, वहाँ पर तो सिर्फ आपकी नाम की कमाई, और जो आप इस दुनिया में कर्म लेकर जाएंगे वही कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। कर्म अपने अपने, जो कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। अगर हम किसी के साथ अच्छे कर्म नहीं कर सकते तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए कि कल को हमारे साथ भी बुरे कर्म हो सकते हैं। सत्संग जी, हम अपने घरों में देख लेते हैं, जिसके साथ हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही रिश्ता होता है। अगर हमारे साथ उस इंसान का कर्म अच्छा होगा तो उसके साथ हमारी अच्छी बनेंगी, नहीं तो माँ बाप और भाई बहन की आप में नहीं बनती। तो सत्संग जी, हमें सिमरन जरूर करना होगा। सिमरन करते करते ही हमें उस सचखंड का रास्ता दिखाई देगा। अपने 9 दरवाजों से ध्यान को ऊपर केंद्रित कर हमने जो 9वां द्वार है जहाँ पर उस आत्मा को निकाला जाएगा, तो सत्संग जी नाम की कमाई के जरिए ही इन 9 द्वारों को हम जान पाएंगे। और उस 9वें दरवाजे पर अपना ध्यान एकत्रित कर पीछे की तरफ लेकर जो है हमें शब्द धुन सुनाई देगी। सत्संग जी, वो कर्मों वाला होता है जिसे शब्द धुन सुनाई देती है।
जो कमाई करेगा, जो सच परमात्मा को प्यारे को याद करते करते इस संसार को त्याग जाएगा, तो वो सच्चा प्रीतम भी उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि उसके लिए हमें जो है अपने शरीर को कष्ट देना होगा। जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, 2.5 घंटे सिमरन करते हैं, वह ही उसे लेने आता है। ये शरीर जो है ये एक मिट्टी है, शरीर ने तो यहीं पर रह जाना है। जाना है तो हमारी आत्मा ने जाना है, और उस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए हमें जो मेन साधन बताया गया है वह है सिमरन। सिमरन करते करते ही उस मालिक से हम जा मिलेंगे। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, अगर आपने नाम दान लिया है तो सिमरन जरूर किया कीजिए। तो अगर नहीं करते तो शुरू में आप 10 मिनट बैठिए, तीसरे बैठना शुरू करेंगे तो आपकी कमाई ये ज़्यादा होती जाएगी, और एक दिन आप उस सच्चे प्रीतम से जा मिलेंगे। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, हमें जितने भी सत्संग सुने होंगे, कीर्तन सुने होंगे, उसमें उस परमात्मा का नाम लिया जाता है और सिमरन के ऊपर ध्यान देने के लिए ही कहा जाता है। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी सत्संग जी को मेरी तरफ से प्यार भरे राधा स्वामी जी।